गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और हम हैं ओमकारेश्वर, तो महादेव की नगरी ओमकारेश्वर में। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो हम पहुँच चुके थे ओमकारेश्वर रात को और हमने भोले बाबा के दर्शन भी ले लिए, क्योंकि सुबह को भीड़ हो सकती है और दर्शन मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी का प्लान ये है कि हम जाएंगे परिक्रमा करने के लिए। तो यहाँ से अभी हम होटल में हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर पे ओमकारेश्वर मंदिर है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर, तो यहीं से एंट्री है। ये पीछे मुझे दिख रही है, पीछे जो आपको दिख रहा है यहीं से एंट्री है। अभी हम यहां से जाएंगे, पहले एक काम करते हैं। चाय है, ठीक है, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है। सो गाइस एक चाय की चुस्की ले रहे हैं और फिर यहीं से फिर परिक्रमा शुरू करेंगे। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस करके आप उतरते हो उस तरफ ही मंदिर है और वहीं से परिक्रमा शुरू होती है। तो चलो चाय लेते हैं। तो दोस्तों मैं जो ब्रिज की बात कर रहा था ये वही ब्रिज है जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, इसको क्रॉस करके आपको उस तरफ जाना है और वहाँ पे मंदिर है। दोस्तों आप ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ से आते हो बाहर और यहीं से लेफ्ट से कहीं से परिक्रमा का मार्ग शुरू होता है। मैं पूछता हूँ किसी को, ये परिक्रमा का मार्ग कहाँ से? दोस्तों हम मंदिर से थोड़ी दूर आए, तो यहाँ पे आपको स्पीकर का आवाज़ कम और पानी का नदी के बहने का आवाज़ आता रहेगा, शायद ये आवाज़ कैप्चर होता रहेगा। गाइस यहाँ पे ये बोर्ड है श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव। शेगांव ये महाराष्ट्र में पड़ता है और गजानन महाराज का स्थान है। तो दोस्तों रास्ते में ये केदारेश्वर मंदिर पड़ता है, आप देख सकते हो काफी पुराना स्ट्रक्चर है ये। सो गाइस ये रास्ते में ये बोर्ड लगे हैं जो बताते हैं आपका कितना डिस्टेंस हुआ है। यहाँ पे जैसे लिखा है 900 मीटर्स, तो अभी हमने 900 मीटर तय किए। मुझे मालूम नहीं है परिक्रमा कितने किलोमीटर की है, लेकिन करनी तो है। तो चलो फिर चलते जाते हैं, भोले बाबा का नाम लेते जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। जैसे हम मंदिर से दूर आ रहे हैं वैसे काफ़ी शांत हो चुका है यहाँ पे। गाइस जब आप यहाँ से नीचे आते हैं आप देख सकते हो ये रोड नया बना है, ये ब्रिज आप सामने देख रहे हो ये गाड़ियों को आने के लिए ब्रिज बना है। तो ये ऐसा कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड लगे हैं जो आपको बताएंगे ये परिक्रमा का मार्ग कहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, तो यहाँ से आपको जाना है। बहुत जल्दी शायद से इन लोग ये नया रास्ता बनाएंगे, क्योंकि अब ये उबड़ खाबड़ है।
ये संगम है, ये नर्मदा नदी है, ये कौन सी नदी है मैं पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों हम संगम पे आ चुके हैं। ये जो पीछे जो नदी है ये नर्मदा नदी है, और इस तरफ से जो बहती है वो है कावेरी नदी, और यहाँ पे इनका संगम होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये संगम हो रहा है, और आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पे संगम में। तो दोस्तों अभी हमने संगम का दर्शन ले लिया। वैसे तो नहाने का मूड था, मैंने स्विमिंग शॉर्ट्स भी लाए थे, लेकिन ठंड काफ़ी है तो मैंने सोचा चलो अभी बस पानी थोड़ा छिड़क लेते हैं सर पे और दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं अभी। सो गाइस, ये चाय की दूसरी चूज़ की है, हमने सोचा संगम पे आएँ तो चाय बनता है। मौसम बहुत सही है, ठंड ज़्यादा है नहीं, ठंड है लेकिन थोड़ा मुझे ठंड नहीं लगती ज़्यादा। अगर वीडियो का ये पार्ट मेरी बड़ी बेटी देखती रहेगी तो बोलेगी पापा आपको कभी भी ठंड नहीं लगती है, ठंड है ही नहीं। चलो, क्या आपको ठंड नहीं लगती? मौसम लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। इनफैक्ट मैंने जैकेट की मेरी जिप भी खोल दी, क्योंकि अभी मैंने जो चला हूँ 1.5-2 किलोमीटर उसकी वजह से शरीर में काफ़ी गर्मी आ चुकी है और अभी जैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अभी ये चाय पीते हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घाट बनाए गए स्नान करने के लिए, सीजन में मतलब श्रावण में महाशिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी। आप समझ सकते हो जिस ढंग से इन्होंने बनाया ये, तो भीड़ तो ज़रूर होगी, लेकिन अभी ऑफ सीज़न है और इसीलिए शायद से कोई नहीं है। तो वही रास्ते में ये मुक्तेश्वर मंदिर है परिक्रमा के, तो अभी हम मंदिर में जाके आएंगे अंदर फटाफट। सो दोस्तों हम मुक्तेश्वर मंदिर में महादेव जी के दर्शन लेके आगे की परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। गाइस ये रास्ते में ये व्यूइंग पॉइंट बनाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से भी आपको नर्मदा नदी के दर्शन होंगे। तो अभी हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और हमको आगे का सफ़र भी पूरा करना है। सो दोस्तों ये परिक्रमा के मार्ग में ये काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं, तो मैंने किसी को पूछा ये क्या एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा ये गीता के पार्ट है, मतलब हर बोर्ड पर एक पार्ट है, जो अच्छी बात है। तो पूरे रास्ते में ये बोर्ड लगे हैं, आप देख सकते हो। अभी हम पहाड़ के एग्जैक्टली ऊपर आए हैं, इसके लिए आपको दिख रहा है ये फ्लैट ग्राउंड है और सीधा सीधा चलना है। कितनी देर लगी ये परिक्रमा पूरी करने के लिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम चलते जाएंगे, भोले बाबा का नाम लेते जाएंगे। मैं थोड़ा हाँ पर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ। तो दोस्तों चलते चलते मुझे ये बोर्ड यहाँ पे नज़र आया जिस पे लिखा है 2500 मीटर, तो हमने 2.5 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं। सो गाइस मैंने और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं ना मिट्टी के बने हुए हैं, मतलब मिट्टी और गोबर से इन्हें पोता जाता है, इनफैक्ट फ्लोरिंग भी उसी से पोती जाती है। मुझे याद है मेरे डैडी का जो घर था वहाँ पर मिट्टी और गोबर से फ्लोरिंग दीवारें पोती जाती थी, मतलब पेंट की ज़रूरत नहीं, हर महीने आप पोतो और नया घर। अच्छा लग रहा है ये देख के, मतलब मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सो दोस्तों यहाँ से मुझे आगे चढ़ाई नज़र आ रही है, कितनी सारी स्क्विरल्स यहाँ पे आपको दिखेगी, देखिए। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अकेला हूँ, कोई भी नहीं आगे पीछे,
बीच बीच में लोग हैं छोटे छोटे स्टॉल से जहाँ पे खाने पीने का आपको सामान मिलेगा, मतलब चाय वगैरह छोटा मोटा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो अभी ये चढ़ाई शुरू हो गई है, मैं यहाँ पर मिलता हूँ आपको ऊपर। तो गाइस हम ऊपर वापस आ चुके हैं, अभी फिर से ये फ्लैट डाउन शुरू हुआ है। तो रास्ते में काफ़ी सारे मंदिर है, तो एक मुक्तेश्वर मंदिर था एक, और ये एक माँ काली मंदिर है। मतलब छोटे छोटे मंदिर काफ़ी सारे हैं, और ये कुछ बड़े मंदिर है जिनका बकायदा एक बोर्ड लगाया गया बाय द अथॉरिटीज़। तो अभी हम बाहर से ही माँ को, एक माँ के दर्शन लेके आगे निकलते हैं। जय माँ काली। दोस्तों ये माँ काली मंदिर के सामने ये गौरी सोमनाथ मंदिर है, बस उसी के पास में। और अब देखोगे ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है आप देख सकते हो। तो चलो आगे जाके हम इसके दर्शन लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि ये तीन मंदिर है, ये एक है, ये दूसरा, और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको ये तीसरा है। तो ये है राजराजेश्वरी मंदिर, काफी सारे मंदिर है यहाँ पे, काफी सारे मंदिर, इसे काफी छोटे हैं लेकिन कुछ है जो काफी बड़े हैं। तो उन्हीं में से ये एक है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शायद से, ये ऊपर आने के लिए रास्ता बन रहा है गाड़ी का। मतलब अभी तक तो ऊपर आपको चल के आना पड़ता है, तो शायद से देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी का रास्ता बन रहा है, अभी कच्चा है। तो हमको यहीं से नीचे जाना है एज़ पर जो बोर्ड पे लिखा था कि परिक्रमा के लिए राइट ले लीजिए। अभी चलो आगे जाके देखते हैं ये कहाँ पर उतरता है। शायद से अभी ये पूरा उतरने वाला रास्ता है तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन चलो आगे जाके देखते हैं। तो मैंने ये बीच वाले शूज़ पहने जो काफ़ी पतले रहते हैं, तो मैंने ये जो जूते पहने ये बीच वाले शूज़, ये काफ़ी इनका जो सोल होता है काफ़ी पतला होता है, मतलब बेसिकली ये सैंड पे चलने के लिए रहते हैं। मैंने सोचा चलो यार जूते कैरी करने से अच्छा पीछे बैग में इतना वज़न उठाने से अच्छा ये हल्के फुल्के ले लेते हैं, लेकिन ये रोड है, ये अभी मुझे ना नीचे के पत्थर भी चुभ रहे हैं लिटरली। तो चलो कोई नहीं, भोले बाबा के दर्शन के लिए आए हैं तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं। सारा यहाँ पे खुदाई हो चुकी है, तो शायद से यहाँ पे पार्किंग वगैरह होगी, गाड़ियाँ आएगी ऊपर तक। बट इसके वजह से क्या हुआ है फिलहाल के लिए ये रास्ता बहुत ख़राब हो गया, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो उनके लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी इन पत्थरों से पे चलने का। कुछ लोग तो नंगे पैर भी आए हैं। तो यहाँ से पूरा ये ओंकारेश्वर का टाउन दिख रहा है नीचे, तो हमको नीचे ही जाना है अभी, हमारा रास्ता यहाँ से। तो चलो हम हमारे पुराने वाले रास्ते पे आ चुके हैं। ये सही में तो ये सामने से आता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था इसी वजह से ये डिटूर किया था, थोड़ा आगे से डाइवर्शन किया था। तो अभी हमने 4100 मीटर किए हैं, विच इज़ 4 किलोमीटर्स, लेकिन अगर सीधे सीधे जाते तो ये 4 किलोमीटर्स होते थे, लेकिन हमने जो घूम के आए हैं उसमें और 1 किलोमीटर आप ऐड कर सकते हो।
अभी जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है, मतलब पत्थरों के बनावट से पता चलता है। चलो हम बाहर से प्रणाम करके आगे जा रहे हैं। बस यहाँ पे एक चीज की कमी है, यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह नहीं है। तो उस चीज देख रहे हो या स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसकी विशेषता क्या है, तो ये बताने के लिए कुछ बोर्ड होते थे ना, तो लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको ये पता भी चलता था कि इस चीज़ का महत्व क्या है और ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये नीचे उतरने का रास्ता शुरू हो चुका है। मुझे लगता नहीं है अभी वापस हमको चढ़ना पड़ेगा ऊपर, लेकिन यू नेवर नो। तो दोस्तों जैसे मुझे लगा था फिर से ये चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमने 4,400 मीटर कर चुके हैं। गाइस हम वो सामने से आए थे वो सीढ़ियों से और अभी हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं, मतलब ये छोटा सा एक पहाड़ उतर के ये दूसरा भी हम ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे भी ये पुराना स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये सामने जो बोर्ड है इस पर लिखा है ये चंद्र सूरज द्वार है। भगवान चंद्र और सूरज के नाम पे इस द्वार का नाम रखा गया है। शायद से ये पुराना किला होगा और ये उसके अलग अलग द्वार रहेंगे। तो ये है सिद्धेश्वर मंदिर। दोस्तों ये पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है और हालत इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे इसके पत्थर हिल चुके हैं, इसकी छत भी गिर चुकी है और इस तरफ ये जो गिरे हुए जो पत्थर हैं ये पीछे रखे हैं। शायद से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको वापस से बनाएगा और जब ये बनेगा बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी भी इसकी खूबसूरती कम नहीं हुई है, आपको पता चल जाएगा कि जो कार्विंग्स है उससे ये कितना खूबसूरत हुआ रहेगा। गाइस हम अभी नीचे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी हमको यहीं से सीधा सीधा जाना है तभी मंदिर के यहाँ पे जाके ये परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो ये रास्ता सीधा सीधा मंदिर जाता है नीचे से, देख सकते ये ब्रिज है। सुबह को आपने देखा रहेगा कितनी शांति थी यहाँ पे, अभी ये सब मोटर बोट की इंजन की आवाज़ आ रही है। तो गाइस इसी के साथ हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर हम ये नहीं करते तो दिल में ये फीलिंग रहती थी कि इतनी दूर आए, लेकिन हम अपनी परिक्रमा ये पूरी नहीं कर पाए।
तो चलो अभी अच्छा लग रहा है। इसी के साथ हम महादेव जी का जयकारा लगाते हैं, पार्वती पति हर हर महादेव। तो गाइस इसी के साथ मैं ये परिक्रमा का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते लाइक करना ना भूलिए। तो फिर से मेरे साथ बोलो हर हर महादेव। जो